20 साल के इस उत्तराखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे, दो दो मुख्यमंत्री देखे एक कार्यकाल में, तो वहीं राष्ट्रपति शासन भी देखे हैं। लेकिन स्वार्थ की राजनीति करने वाले ये नेता आज तक उत्तराखंड से किया वादा पूरा नहीं कर पाए। वादा प्रगति की राह पर ले जाने का उत्तराखंड को, वादा प्रगति के पथ पर चलाने का उत्तराखंड को, वादा उत्तराखंड में विकास करने का। अब पहाड़ क्या चाहता है, पहाड़ की जनता क्या चाहती है, ये आज जानेगा जय भारत टीवी खुद पहाड़ की इस जनता से, उत्तराखंड की इस जनता से। लेकिन नेता तो कोई चाहता नहीं है, ठीक है ना। पार्टी हिंदुत्व होने के नाते पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी वाले काम कोई ऐसा खास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वोट की बात रहे हिंदुत्व के नाते और देश के हिसाब से, तो बीजेपी वही जाएगा, ठीक है ना, हमारा आजीवन। लेकिन उस हिसाब से बीजेपी ने काम कुछ नहीं करा है उत्तराखंड में। देखिए सर, हमने बहुत समय तक कांग्रेस भी देखी, अलट पलट के इस जो सरकारें आती रही हैं, चाहे बीजेपी होगी चाहे कांग्रेस की होगी, लेकिन आम आदमी को तो कुछ नहीं मिला है अभी तक। आम आदमी इतना ज़्यादा परेशान है कि मतलब सरकार किसी की हो लेकिन नुश्ता आम आदमी है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम उम्मीदों से सरकार बनाते हैं, उन उम्मीदों पे सरकार खड़ी नहीं उतरती है। आम आदमी का जो है सबसे बड़ा जलोचा इस बात का है कि वो बेचारा वोट देता है, हमारी गलती क्या है, हम वोट दे रहे हैं और वोट की हमारी कीमत ये लोग नहीं समझते हैं। तो अगर आप पूछें तो देखिए, अब अंधों में काना राजा चुनने की बात है, तो वोट तो डालना ही है, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, वो हम लोग तो नहीं बताएंगे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो जन ये सम जो अपनी जो सरकार है हम उससे खुश नहीं है, उसके काम से खुश नहीं है। आम आदमी इतना परेशान है कि हम कह नहीं सकते हैं। बस ये है कि अभी आम जनता अपना मन बना रही है, सोच रही है कि किसको वोट करें, ये तो निर्णय तब आएगा जब 2022 के इलेक्शन से आएंगे। देखिए, मैं अपने बारे में अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से अगर पार्टी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक पार्टी है जो अग्रसर है सबको जो है एक विकास की राह पे ले जाने के लिए। हाँ, चेहरा शायद चेंज होना चाहिए। बाकी मेरा अपील यही है कि जितने भी मतदाता हैं, जो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाएं और फिर 2022 में हम चाहते हैं थोड़ा सा चेंज हो। कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी नेता ने आज तक, इतना टाइम हो गया उत्तराखंड बने में, मगर किसी नेता ने विकास की पटरी पर नहीं लेके आ पाया उत्तराखंड को। आप क्या चाहते हैं, क्या जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है, बदलाव तो चाहती है, इस समय बदलाव आएगा भी, बस कुल मिला के विकास होना चाहिए सब लोगों के लिए, चाहे दुकानदार है चाहे कोई है, होना विकास ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी पार्टी आती रहती है, बदलती रहती है, हमें तो विकास से मतलब है, काम होना चाहिए बाजार के अंदर। अभी तो नेता सब एक से ही लगते हैं, सब तो कहते हैं, करते तो कुछ है नहीं कोई, अभी तो ऐसा नेता कोई नहीं मिला। आपका क्या कहना है? इस टाइम तो पोजीशन इतनी ख़राब है काम की, पूरे देश की, कोई हम ही खाली नहीं है, सारी दुनिया खाली बैठी हुई है, काम दाम है नहीं, मजबूर है बहुत ज़्यादा, और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। तो हम खाएं तो खाएं क्या, दुकानदार तो मारे, हम तो छोटे दुकानदार हैं, कोई बड़े दुकानदार तो है नहीं, जिन कोठी बंगले हों या गाड़ियाँ हों, हम छोटे छोटे दुकानदार क्या है, हम तो टूटे पड़े हैं दिन, क्या कह सकते हैं इसे। आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप इस उत्तराखंड में? हाँ हाँ, बदलाव चाहते हैं, अभी विकास हो, तरक्की हो, काम हो, रोजगार हो, यही चाहते हैं, इससे ही जिंदगी है। कौन बदलाव करेगा? बदलाव भी तो आप ही करेंगे, अपना मत किसी ऐसी पार्टी को देकर, किसी ऐसे नेता को देकर जो प्रदेश में विकास करे। बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस हिसाब से देखो, मैंने तो आज तक जो प्रेजेंट में सरकार है उसको वोट किया है, आज तक जब से मैंने वोटिंग शुरू किया तब तक उसी को वोट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो स्थिति हम देख रहे हैं प्रदेश की, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे किसी भी साइड से आप ले लो, उसको देखते हुए जनता का मैं ये कह सकता हूँ कि जनता के मन में जो चल रहा है पूरा पूरा बदलाव का विचार चल रहा है। वो तो संन्यास ले चुके हैं राजनीति, भुवन चंद खंडूड़ी जी। अब वोट का मतलब तो ये है, सुनो, वोट का मतलब ये है, हमने तो देखो सोचा भी था किसी टाइम पे भी, और अब भी सोचते थे कि चलो अच्छा बने, अच्छा बने, कोई मंत्री कोई आए, कोई नेता ऐसा अच्छा है, कोई आया ही नहीं है। अब वोट देके क्या फायदा, इस बार वोट नहीं, जो बढ़िया है। आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है? जनता का तो कुछ पता ही नहीं है, मैं खुद कहता हूँ कि कोई अच्छा आए, ऐसा आए जो कुछ बनाए। सर जी, हमारी तो सैलरी आधी हो गई है। हाँ जी, काम से परेशान है हम,
घर में परेशान हो रहे सब, 500 हमें मिलते काम 500 कमाते, 250 मिल रहे, क्या कर रहे हैं आजकल? अभी कोई दुख बीमारी कहीं चेकअप के लिए जाए पहले उसके लिए 1800 चाहिए। कहाँ से कोरोना टेस्ट कराओ 3000 का, कहाँ से करेगा आदमी? बहुत बहुत देश का क्या मान, देश का ही हो गया ये, सब जगह ही, यहाँ नहीं सब जगह ही हो गया ये। हमारा तो कहने का मतलब ये क्योंकि कोई आ रहा है, कोई अच्छा आ रहा है तो अच्छा बन के दिखाए, यहाँ सारे नेता ऐसे दिखे हमें तो। मेरे को बचपन हो गया, यहीं की पैदाश है, यहीं के माँ बाप थे, माँ बाप भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, तो उसमें तो कुछ करके दिखाए ना कि हम बाहर को भी बताए कि हाँ हमारा देश इतना बढ़िया है। बाहर देख लो, पंजाब में देख लो, सबसे बढ़िया लाइट फ्री है, नल फ्री है, हैं क्या नहीं मिलता हुआ? अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसी कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई करेगा नहीं करेगा, अभी तो तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। काम को तो बुरा हाल हो रखा, बोनी तक नहीं होती आजकल, बहुत बुरा हाल है। काम अब काम अब जनता ही चाहता है कि रोज़गार बढ़े, और आदमी आम आदमी की चाहता है दो रोटी की रोटी मिले। काम है नहीं आजकल, बेरोज़गार बहुत घूम रहे हैं आजकल लोग, क्या करें, काम है नहीं आजकल बाज़ार में बिल्कुल भी। जनता बदलाव करना चाहेगी, अब बदलाव तो करेगी, किसको नहीं अच्छा लगता काम करना, काम ही नहीं आजकल बाजार में, सब जगह तोड़ फोड़ कर रखी है, रोज़गार ख़त्म कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, हर आदमी बहुत परेशान है, उसका उपाय सोचिए आदमी क्या करना क्या नहीं करना है कि नहीं? इसमें आदमी क्या करेगा, बैठे हुए हैं सुबह से, तोड़ फोड़ सारी कर रखी है, यहाँ कोई गाहक नहीं आता। जहाँ तक है 90% तो जनता इस समय सरकार से खफा है, टूट फूट हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है, त्यौहार का टाइम है, लोग खरीदारी के लिए आएंगे या दुकान में माल भरेंगे या दुकानदार ठीक कराएंगे, तोड़ फोड़ और गंदगी इतनी है, प्रशासन इस समय कोई काम नहीं कर रहा है, इस समय किसी भी स्तर पर बदलाव चाहती है। अगर काम करेगी, अगर ये सरकार काम करती है तो 100% ये सरकार आती है, अगर काम नहीं करती है तो 100% सरकार बदलना चाहिए। तो क्या किया हमारे यहाँ के नेताओं ने, करा क्या, क्या हमारे बीजेपी ने करा या हमारे कांग्रेस ने करा? हमारे जो नेता थे बेचारे वही इधर उधर बदर भटक गए, वो उनको भटकाया गया ना, खुद ही हमारे नेताओं को भटकाया करोगे, उनकी भी गलती क्या है? पर हम तो चाहते कि हमारा आने वाला जो ये चुनाव अब शुरू हो रहा है उसमें हमारे आने वाले जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हो कोई अच्छा दावेदार खड़ा हो इसमें, हम तो चाहते हम सपोर्ट करेंगे कि हमारे बच्चों को भविष्य बनाए। बच्चों को तो क्या है, बोलो हमारे उत्तराखंड का जो हमारा सपना था कि हमारा उत्तराखंड ऐसा हो, पर हुआ नहीं, वो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। तो ये देखा आपने क्या कहना है उत्तराखंड की जनता का, 20 साल के बाद भी उत्तराखंड आज सिर्फ विकास के नाम पर एक खोखा मात्र है। साक्षरता के नाम से जाना जाने वाला ये प्रदेश में बेरोजगारी बेशुमार है, वहीं विकास की यदि बात की जाए तो अभी तक प्रदेश में विकास का कोई भी एक ऐसा नमूना अभी तक नहीं दिखाई दिया है जिसके बलबूते पर सरकारें आगामी चुनाव में अपनी रणनीति तैयार करेंगी। हालांकि जनता बदलाव चाहती है, अब देखना होगा आखिरकार प्रदेश की जनता, पहाड़ की जनता आगामी चुनाव में किसे उत्तराखंड की कमान सौंपती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, उत्तराखंड।